जा रहे हैं, जिसका नाम है 24वीं गजल, 24वीं कविता सारे कसे छा। इन सब अच्छा है, ठीक है। ऐका बना, मैंने इसका ऑडियो आपको भेजा और मैं गुजारिश करता हूँ कि बच्चों आप वो ऑडियो सुनिए तो आपको ये कविता जबानी याद हो जाएगी इंशाल्लाह। तो चलिए शुरू करते हैं। गावा जमन नदी नदीत पानी पाण्यात पासा झोप तो कसा, झोपडी जवळ झाड झाडावर पक्षी पक्ष्यांच्या पंखांवर छान छान नक्षी, झाडाजवळ शाळा शाळेत मुले पाकेत जसे डोलतात फुले। अब देखिए यहां पर ये तस्वीरें बताई गई है कि भाई गावाजवळ नदी और नदीत पाणी, ये गांव है, गांव के नजदीक नदी है और नदी में क्या है, वेरी गुड, पानी। अब क्या है, पाण्यात मासा झोप तो कसा, पानी में मछलियां है, मछलियों को नींद कैसे आती है, ये इसका कवि का ख्याल है, सवाल है। उसके बाद क्या है, झोपड़ी जवर झाड़ावर पक्षी। अब देखिए ये झोपड़ी है, झोपड़ी के नजदीक क्या है, दरख्त है, दरख्त पर पक्षी है, परिंदे है। पक्षांच्या पंखावर छान छान नक्षी, ये देखो परिंदों के जो पंख है उससे उसके ऊपर जो है वो अच्छी अच्छी जो है नक्श बनी हुई है। झाड़ा झावर शाड़ा शाड़े मोले, ठीक है। तो ये दरख्त है, दरख्त के नजदीक क्या है, स्कूल है, स्कूल में क्या है, मूल्य है, बच्चे है, तालीम इल्म है। बागेत जैसी डोलतात फूले, जिस तरह बाग में फूल है उसी तरह स्कूल में बच्चे है, बच्चे है तो स्कूल है, नहीं तो अगर बच्चे नहीं है तो कोई स्कूल कुछ काम की नहीं, ठीक है।